या आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज़। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। विराट की सरजमी पर संपन्न हुआ फाइनल मैच। तिलोई अमेठी स्वर्गीय हौसला बख्शिन स्टेडियम विराट में शिव क्रिकेट क्लब विराट द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसका फाइनल मैच हुलासगंज बनाम केकेआर के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की टीम ने 20 ओवर में ताबड़तोड़ 245 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में हुलासगंज की टीम ने 15 ओवर में 175 रन पर ही सिमट गई। फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष भवानी दत्त दीक्षित जी व जिला उपाध्यक्ष युवराज सिंह रहे। भवानी दत्त दीक्षित जी ने फाइनल के दोनों टीमों को टी शर्ट और कमेटी को धनराशि देकर मदद किया और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि दीदी स्मृति रानी से कहकर छोटी मोटी जो समस्या है उसको हल कराऊंगा। उनके निर्देशन में इस फाइनल मुकाबले का आगाज हुआ। शिव क्रिकेट क्लब विराज ने ये कारनामा हर साल की तरह इस साल भी एक अच्छे टूर्नामेंट का आयोजन कराकर खूब सुर्खियां बटोली। शिव क्रिकेट क्लब विराज के अध्यक्ष संदीप शुक्ला, उमेश तिवारी, संजीव शर्मा रहे व सहयोगी अजय गुप्ता, सत्यम सिंह, राहुल गुप्ता, राधे श्याम पांडे, इंद्रमणि त्रिपाठी, कौशल किशोर गुप्ता, मोहित शुक्ला, राकेश कुमार वर्मा, लल्लन गुप्ता, दिनेश प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। फाइनल मैच में कमेटी की तरफ से दर्शकों के लिए फ्राई राइस का व्यवस्था किया गया। फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच केकेआर टीम के अनबुज व पूरे टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज अनबुज रहे। दोनों टीमों के बीच काफी रोमांचक भरा मैच देखने को मिला, जिसमें चीयर लीडर की भूमिका भी रही, जो कि हर प्रत्येक छक्के चौके पर अपने नृत्य से लोगों व दर्शकों का दिल जीत लिए। विराट की सरजमी पर आए पत्रकारों का भी मेडल दे के सम्मान किया गया। अमेठी से असद हुसैन की रिपोर्ट। इन लोगों ने ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, नौजवानों को खेल के माध्यम से उनकी प्रतिभा निखारने का काम किया है। ऐसे में इंद्रमणि तिवारी जी का, संदीप तिवारी जी का, संदीप मिश्रा जी का, मोहित मिश्रा जी, आदरणीय संजीव शर्मा जी, अजय गुप्ता जी, मार्तेन तिवारी जी, शिवम पांडे जी, अमन तिवारी जी, अमन सिंह, अभिषेक तिवारी जी, मैं उन सभी अपने नौजवान साथियों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और अपनी प्रतिभा को आप निखारते रहे। गांव के, क्षेत्र के, समाज के सुदूर से आए हुए जो हमारे दूर दूर के खिलाड़ी हैं, इनके उत्साह हम सबका योगदान रहना चाहिए और निश्चित तौर पर बहुत ही उम्मीद कार्य। और यहाँ पर हमारे दो पत्रकार बैठे हैं, उन पत्रकार बंधुओं का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। अभिनंदन इस बात के लिए कि तमाम तरह की खबरें हम करते रहते हैं, लेकिन खेल की स्पर्धा में जहां एक सुस्त मानसिकता से कार्य हो रहा हो, जहां नौजवान अपनी प्रतिभा निखार रहा हो, वहां पर आपके योगदान की जरूरत जरूर है और निश्चित आपका योगदान इस कार्यक्रम में मिल रहा है, इसलिए आप भी पत्र दोनों टीम के खिलाड़ी कृपया पिच पर लाइनअप हो जाए। कार्यक्रम स्थल पर जितने भी अपने नन्हे मन्हे बच्चे, भावी भविष्य भारत के नौजवान साथी, बुजुर्ग उपस्थित है, बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूँ, नौजवानों को आशीर्वाद देता हूँ और बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अपने आयोजकों का, आयोजक मंडल का, क्षेत्र के सभी समर्थकों का अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस विराज की धरती पर अपने मित्रों के माध्यम से जो समस्याएं हम लोग को मिलेंगे, उन समस्याओं का तुरंत निदान कराने का प्रयास किया जाएगा।